इसी के क्रम में यह सूचना मिली कि एक व्यक्ति है अमित सिंह, पुत्र जलभरत सिंह, निवासी बंगली पिजड़ा। नमस्कार दोस्तों, रोडेंस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जो यूपी पुलिस का पेपर लीक हुआ था उस पर आज प्रशासन कॉन्फ्रेंस करके देखिए क्या बताया है, क्या पेपर दोबारा होगा, इस पर देखिए कॉन्फ्रेंस जारी है। इसके द्वारा कतिपय अभ्यर्थियों से 4 लाख रुपए से लेकर 9.5 लाख रुपए तक की डिमांड लेकर और 2 किश्तों में उनका पैसा लेकर उनका चयन कराए जाने की पेपर लीक की भी बात की जा रही थी। उनको एक जगह पर एकत्रित कर कुछ पढ़ाकर और सीधे बिना किसी को बताए एग्जाम सेंटर्स तक पहुंचाए जाने की बात इनके द्वारा की जा रही थी। इस सूचना पर थाना कोतवाली पुलिस और जो हमारी सर्विलांस टीम है, अनिल सिंह कोतवाल और अमित मिश्रा सर्विलांस इंचार्ज के नेतृत्व में हमारी टीम ने वहां पर दबिश दी। उसमें ये 5 लोग गिरफ्तार हुए हैं और जो मुख्य कर्ताधर्ता है आर के कंसल्टेंसी का मालिक जो रणजीत पांडे स्मारक महिला विद्यालय भी चला रहा है, रविकांत पांडे, वो मौके से फरार है। लेकिन ये पूरा गैंग उसी के निर्देशन में कार्य कर रहा था। इन लोगों द्वारा कई अभ्यर्थियों के जो ओरिजिनल मार्कशीट हैं, लगभग 32 अदद ओरिजिनल मार्कशीट इनके पास से बरामद हुए हैं, 11 अदद चेक विभिन्न बैंकों के इनके पास से बरामद हुए हैं। इनका ये कहना था कि जब सिलेक्शन हो जाएगा तो उसके बाद ये चेक पर अमाउंट भर के उनसे पैसा ले लेंगे दूसरी किस्त का, एक किस्त पहले और दूसरी किस्त बाद में। इसके साथ ही आय प्रमाण पत्र, कई इनके पास से मोहरें भी बरामद हुई हैं, जिससे ये लग रहा है कि ये कई सारा और भी फर्जीवाड़ा कर रहे थे। कई स्कूलों की मोहर बरामद हुई हैं, तहसीलदार मोहम्मदाबाद गोहना की मोहर बरामद हुई है, अपर मुख्य अधिकारी की मोहर इनसे बरामद हुई है। और इसके साथ ही इनके जब लैपटॉप इत्यादि को देखा गया वहां पर, तो ये आई कार्ड में AI टूल्स के माध्यम से जो दूसरों का फोटो है दूसरे के आई कार्ड पर लगाने का कार्य भी कर रहे थे। जो अभ्यर्थी हैं उन सभी से संपर्क किया जा रहा है और इसका डिटेल इन्वेस्टिगेशन हमारी साइबर सेल की टीम क्षेत्राधिकारी नगर के नेतृत्व में करेगी और भी जो चीजें सामने आती हैं उन सभी पर कार्रवाई। कॉन्फ्रेंस जारी है, इस कॉन्फ्रेंस में अब बताएंगे कि कैसे एक जो लड़का है वो 25,000 रुपये में पेपर सेंटर भेजेगा और इसी पेपर से सबको पढ़ाया जाएगा। देखिए कॉन्फ्रेंस में अब ये हाईस्कूल की मार्कशीट है, कई बच्चों की ओरिजिनल मार्कशीट है। इनके द्वारा ये बच्चों से कहकर ये लिया गया था कि आपको एक जगह कहीं एकत्रित करेंगे, फिर आपको उस पेपर के द्वारा पढ़ाया जाएगा और फिर सीधे आपको परीक्षा के केंद्र पर पहुंचाया जाएगा। इनके द्वारा ये कहा जा रहा था, जो अमित सिंह नाम का लड़का है, इसके द्वारा कहा जा रहा था कि किसी अन्य से इसकी बात चल रही थी जिससे ये मात्र 25,000 रुपए में पेपर लेने की बात कर रहा था और ये कैंडिडेट से 4 लाख से लेकर 9.5 लाख रुपए तक की डिमांड कर रहा था। जी, अभ्यर्थियों से भी हम लोग संपर्क कर रहे हैं और अभ्यर्थियों द्वारा ही बताया गया है कि इतने इतने पैसे। कॉन्फ्रेंस सुनने के बाद में आप क्या सोचते हैं इस पर कमेंट में बताइए। जैसा कि आप देखिए ये पेपर लीक हुआ था 17-18 को, ये देखिए एकदम प्रूफ के साथ देख लीजिए। अब प्रशासन ने भी माना है कि कई जगह पर इस तरह का एकदम काला करतूतें चल रही थीं, लेकिन प्रशासन को पहले इसकी भनक नहीं लगी और जब पेपर लीक हो गया तब इन्हें ये पता चला जाके अब कॉन्फ्रेंस बाद में कर रहे जब जनता हल्ला मचा रही है। इससे पहले ये शायद कहाँ थे पता नहीं। थैंक यू।